गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 16 तक देखे हुए थे। 16 तक बताया था कि बन जाएगा ना। आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में कह रहा है कि ए पर्सन इज़ नॉट टू हिट द टारगेट 3 आउट ऑफ 4 शॉट। कह रहा है कि एक आदमी है, वो ये जानता है कि अगर वो 4 शॉट मारेगा तो 3 शॉट में उसका टारगेट क्या हुआ, हिट हो जाएगा। वेयर एज अनदर पर्सन इज़ नॉट टू हिट द टारगेट 2 आउट ऑफ 3 शॉट। और दूसरा आदमी ये जान रहा है कि वो अगर 3 शॉट मारेगा तो उसका 2 शॉट क्या करेगा, टारगेट को हिट करेगा। फाइंड द प्रायोरिटी ऑफ द टारगेट बींग हिटेड एट ऑल वेन दे बोथ ट्राई। अगर दोनों आदमी ट्राई कर रहे हैं तो ये प्रायोरिटी निकालना है कि टारगेट हिट होने की चांसेस क्या है। तो टारगेट हिट होने के चांसेस कहने का मतलब हुआ या तो टारगेट ए के थ्रू हिट होगा या तो टारगेट बी के थ्रू हिट होगा। या तो टारगेट क्या होगा, ए के थ्रू हिट होगा या तो टारगेट बी के थ्रू हिट होगा। और यहाँ पे ए और बी दोनों क्या फॉर्मेट कर रहा है, इंडिपेंडेंट फॉर्मेट कर रहा है। ना ही ए से कोई रिलेशन है ना ही बी, ए और बी में कोई रिलेशन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17। टारगेट विल बी हिट बाय ए थ्री टाइम ऑन फोर शॉट तो इन 4 शॉट। अगर 4 शॉट मारेगा उसमें से 3 शॉट में उसका टारगेट क्या होगा, हिट होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट, प्रायोरिटी ऑफ टारगेट हिट बाय ए, टारगेट हिट बाय ए इज इक्वल टू 3/4। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सिंस टारगेट विल बी हिट बाय बी 2 टाइम इन थ्री शॉट। तो देयरफॉर क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट हिट बाय बी, बी के थ्रू हिट होगा, इसकी चांसेस कितने, 2/3। ए के थ्रू टारगेट हिट होगा इसके चांसेस है 3/4 और बी के थ्रू टारगेट हिट होगा इसके चांसेस है कितने, 3/2/3। नाउ वी हैव टू फाइंड, हम लोग को फाइंड क्या करना है, टारगेट हिट बाय टारगेट बीइंग हिट एट ऑल। वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट हिटिंग, टारगेट जो होगा वो टारगेट बीइंग हिट, टारगेट बीइंग हिट एट ऑल व्हेन दे बोथ ट्राई, एट ऑल व्हेन दे बोथ ट्राई, जब दोनों क्या करेगा, ट्राई करेगा। तो देखिए ए के थ्रू हिट होने की चांसेस और बी के थ्रू हिट होने के चांसेस दोनों अलग अलग है, दोनों इंडिपेंडेंट फॉर्मेट में। तो यहाँ लिख सकते हैं दैट इज़ वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी एंड दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए यहाँ पे तो कोई कॉमन टर्म्स नहीं आ सकता, यहाँ पे
कोई कॉमन टर्म्स नहीं आ सकता, क्योंकि ए और बी दोनों किस फॉर्मेट में है, इंडिपेंडेंट फॉर्मेट में है। तो इस केस में क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड दिस इज इक्वल टू 3/4 प्लस 2/3 एंड दिस इज इक्वल टू एलसीएम 12 आएगा, इधर आएगा 9 प्लस 8 17/12। अभी तो 17/12, अच्छा माइनस यहाँ पे प्रायोरिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर दोनों के थ्रू टारगेट हिट हुआ तो इसका क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है तो 3/4 इंटू 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 टाइम में कैंसिल, और यहाँ -1/2, तो यहाँ -1/2 आ जाएगा, तो रिजल्ट कितना होगा, एलसीएम 12 आएगा, फिर होगा 17 - 6 तो 11/12, तो टारगेट हिट होने के चांसेस कितने हो जाएंगे, 11/12 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 18 जो इससे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के बारे में। करे द प्रोबेबिलिटी दैट ए कॉन्ट्रैक्टर विल गेट ए प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट इज 2/3 एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट एन इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट इज 4/9। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट इज 4/5 तो वाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट बोथ। यानी कह रहा है क्या कि प्लम्बरिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिलने का चांस कितना है, 2/3 है, इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट मिलने का चांस कितना है, 4/9 है, और कम से कम एक कॉन्ट्रैक्ट मिलने का चांसेस कितना है, 4/5 है। तो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट मिलने का चांस क्या होगा ये बताना है, दोनों कॉन्ट्रैक्ट मिलने का चांस क्या होगा ये बताना है। कम से कम एक कॉन्ट्रैक्ट मिलने का चांस कितना है, 4/5 है। देखिए यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 प्रोबेबिलिटी दैट द कॉन्ट्रैक्टर विल गेट ए प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू 2/3। दूसरा क्या दिया हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट लेगा उसके चांसेस कितने, 4/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू 4/5। कम से कम एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा उसके चांसेस कितने, 4/5 है। वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, हम लोग को फाइंड क्या करना है कि उसे दोनों कॉन्ट्रैक्ट मिले इसकी क्या चांसेस हैं। लिखते वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ लिखते हैं लेट प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू ए, प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू ए मान लेते, प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट को क्या मान लेते हैं ए, और इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट को बी मान लेते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार से क्या क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है कितना 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है कितना 4/9, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कम से कम एक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा इसके चांसेस कितने 4/5। हम लोग को फाइंड क्या करना है कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट मिले इसकी क्या चांसेस, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग एक फार्मूला जानते थे क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर यहाँ इंटरसेक्शन को इधर कर दें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो क्या लिखाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखाएगा 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखाएगा 4/9 माइनस 4/5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 45। होगा तो ये 3 से कटेगा 15 टाइम है, 15 × 2 30, 9 से कटेगा 5 टाइम है, 5 × 4 20, माइनस 5 से कटेगा 9 टाइम है, 9 × 4 36, तो कितना गया 50 − 36/45 एंड दिस इज इक्वल टू 14/45। तो ये इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा कि उसको दोनों कॉन्ट्रैक्ट मिले इसके चांसेस कितने हैं 14/45। तो ये हम लोग का एक्सरसाइज क्या हुआ, 7B कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे का कुछ थ्योरी देखते हैं, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या क्या होता था उससे रिलेटेड। हम आपको बताए थे इवेंट, एक बताए थे मैचुअली इंडिपेंडेंट। कहने का मतलब होता है कि वैसे दो इवेंट जो स्वतंत्र हो, जिसकी प्रोबेबिलिटी एक दूसरे से कोई रिलेटेड ना हो, तो उस तरह का इवेंट क्या कहलाता है, मैचुअली इंडिपेंडेंट कहलाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, हेडिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी दैट टू और मोर इवेंट हैपन और ऑन एनी वन अक्रेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ द चांस ऑफ देयर हैपनिंग सेपरेटली, करा के दो या दो से अधिक स्वतंत्र घटनाओं के एक साथ घटित होने की अवस्था में मिश्रित घटना की संभावना प्रत्येक घटना के अलग अलग घटित होने की संभावना के गुणनफल के बराबर होता है। क्या कह रहा है कि दो अलग अलग घटना है, दोनों की घटित होने की संभावना जो होती है वो दोनों के अलग अलग घटित होने की संभावना जो होती है वो मिश्रित घटित होने की संभावना के दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। जैसे कि एक काम ए है, एक काम बी है,
अगर ए के होने की संभावना 2/3 है और बी के होने की संभावना 1/4 है, अगर दोनों को कंबाइन घटित किया जाए, दोनों को कंबाइन मिश्रित घटना हो, तो उस केस में क्या होगा कि दोनों दोनों के प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होगा उसकी कंबाइन घटना के प्रोबेबिलिटी के बराबर होगा, ये कहना चाह रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, द प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लीकेशन थ्योरम में द प्रोबेबिलिटी द प्रोबेबिलिटी दैट टू और मोर दैट टू और मोर इवेंट्स टू और मोर इवेंट्स हैपेंस हैपेंस ऑन एनी वन अक्रेंस एनी वन ओकेजन एनी वन ओकेजन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द चांस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द चांसेस ऑफ देयर हैपनिंग सेपरेटली of their happening separately happening separately करा किसी ऑकेजन में दो अलग अलग घटना है, दो या दो से अधिक अलग अलग घटना है जो किसी ओकेज़न में घटित हो रहा है, तो उस घटना के होने की जो संभावना होगी वो दोनों के सेपरेट घटित होने की संभावना के प्रोडक्ट के बराबर होगी। जैसे कि मान लीजिए दैट इज़ क्या लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दोनों घटना के साथ में या किसी ओकेजन में घटित होने की जो संभावना बनेगी वो दोनों के सेपरेटली घटित होने के प्रोडक्ट के बराबर होगी। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसी को हम लोग मैचुअली इनडिपेंडेंट इवेंट में भी कह सकते हैं कि वैसे दो इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ लिख सकते हैं नॉट में क्या कि ए एंड बी बी टू मैचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट बी टू मैचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट ओनली व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगा। अच्छा, दोनों के नहीं होने की संभावना क्या होगी, दोनों के नहीं होने की संभावना यहाँ पॉइंट वाइज लिख सकते नोट में। अच्छा, ये दोनों के होने की संभावना था तो यहाँ लिख सकते हैं पहला पॉइंट में क्या था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी बोथ बी हैपन बोथ बी हैपेंड दोनों के घटित होने की संभावना। अगर यहाँ लिखिए दूसरा पॉइंट तो इसका फार्मूला क्या बना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला बना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दोनों के होने की घटित होने की संभावना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर ऐसा लिखा हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ
नॉट प्रायोरिटी ऑफ नॉट हैपन ऑफ ए एंड बी। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रायोरिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर लिखेंगे प्रायोरिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या लिखाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की घटित होने की संभावना को किस में माइनस करेंगे, 1 में, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के घटित होने की संभावना को 1 में माइनस करेंगे और फिर जो रिजल्ट बनेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या निकल जाएगा, ये दोनों के नहीं घटित होने की संभावना, दोनों घटना के नहीं घटित होने की संभावना क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रायोरिटी ऑफ ए इंटू 1 माइनस प्रायोरिटी ऑफ बी। सेम उसी तरह से अगर मान लीजिए एन इवेंट है, तीसरा पॉइंट में लिखते हैं, इफ एन म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स, लिखते हैं तीसरा पॉइंट में क्या कि इफ एन म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट देयर प्रोबेबिलिटी इज P1, P2, P3, then probability of all events will be happen सभी इवेंट के घटित होने की संभावना क्या हो जाएगा, P1 into P2 into P3 into ... PN सभी इवेंट के घटित होने की संभावना क्या हो जाएगा, P1 into P2 into P3 into ... PN ऐसा आ जाएगा। अच्छा, सभी इवेंट के नहीं घटित होने की संभावना क्या हो जाएगा, Probability of all events will not happen. या तो ऑल इवेंट के जगह ऐसा लिखते हैं प्रायोरिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रायोरिटी ऑफ ऑल इवेंट विल बी नॉट हैपन, तो इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस P1 into 1 माइनस P2 into ... 1 माइनस PN ये होगा प्रायोरिटी ऑफ ऑल इवेंट विल बी नॉट हैपन, सभी इवेंट के नहीं घटित होने की संभावना। अब इसमें कुछ पॉइंट लिखते हैं, तीसरा पॉइंट था ये, फोर्थ पॉइंट में लिखते हैं, फोर्थ पॉइंट में कि इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, अगर ए और बी क्या है म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, then A and B complement are also mutually independent. दूसरा, A complement and B complement are also mutually independent. तीसरा, A complement and B are also mutually independent.
यानी कि अगर ये और बी दोनों मैचुअली इंडिपेंडेंट है तो उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स बनेंगे वो सभी भी क्या होगा, मैचुअली इंडिपेंडेंट ही होगा। जैसे एक क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द प्रायोरिटी ऑफ गेटिंग ऑल द टेल इन 5 थ्रोन ऑफ ए कॉइन। एक कॉइन को 5 बार टॉस किया गया और पांचों टॉस में क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए, उसकी क्या प्रायोरिटी होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल द टेल इन 5 थ्रोन ऑफ योर डेट। एक कॉइन को 5 बार टॉस किया गया और पांचों टॉस में क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए। उसकी क्या चांसेस है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इन 5 थ्रोन ऑफ ए कॉइन, इन 5 थ्रो ऑफ ए कॉइन। एक कॉइन को कितने बार उछाला गया, 5 बार। तो यहाँ लिख सकते हैं सॉल्यूशन में कि इफ या क्वाइन इज टॉसेस वंस, अगर एक बार टॉस करते हैं तो उसका आउटकम्स में या तो क्या आता है, हेड और टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल तो टेल आने के चांसेस कितने हैं, 1/2। टेल आने के चांसेस 1/2। तो प्रत्येक टॉस में टेल आने के चांसेस कितने हैं, 1/2। चाहे हम लोग कॉइन एक बार टॉस करें, 2 बार टॉस करें, 3 बार टॉस करें, प्रत्येक बार टॉस करने के बाद टेल आएगा, इसकी चांसेस कितने हैं, 1/2। तो यहाँ लिख सकते देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इन ऑल फाइव थ्रोन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2। 5 times 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे क्या होगा कि पांचों टॉस में टेल आने के चांसेस निकल जाएंगे। तो कितना आ जाएगा रिजल्ट, 1/32। ये इसका आंसर हो जाएगा, पांचों टॉस में टेल आने के चांसेस कितना हो जाएगा, 1/32। जैसे एक क्वेश्चन कह रहा है कि ए स्पीक ट्रूथ इन 50% केस एंड बी इन 80% केस। एक व्यक्ति ये है जो सच बोलता है, 50% केस में सच बोलता है, इसका मतलब जितना बात बोलता है उसका 50% वो सच बोलता है और 50% वो झूठ बोलता है, और बी जो है वो 80% केस में सच बोलता है और 20% केस में झूठ बोलता है। तो कह रहे इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस आर दे लाइकली टू कंट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टार्टिंग द सेम फैक्ट। कि कह रहे कितने कि उसका क्या परसेंट होगा कि दोनों का बात जो होगा वो कंट्राडिक्ट करेगा। कहने का मतलब हुआ कि दोनों का बात जो होगा वो या तो सही होगा या तो गलत होगा। जैसे ये सच बोल रहा है, साथ में बी भी सच बोल रहा है, तो यहाँ पे दोनों का बात क्या हो रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। अच्छा, अगर ऐसा भी हो सकता है, कंट्राडिक्ट करना है ना, कितने ऐसे परसेंट में दोनों का बात क्या होगा, कंट्राडिक्ट करेगा। कंट्राडिक्ट करने का मतलब हो काटना, यानी ये अगर सच बोल रहा है तो बी क्या करेगा, झूठ बोलेगा। और जब बी सच बोलेगा उस समय ए क्या करेगा, झूठ बोलेगा।
तो ये क्या हुआ, दोनों का बात क्या हो रहा है, कंट्राडिक्ट हो रहा है, एक दूसरे को काट कर रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या कर रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीक ट्रूथ बाय ए इक्वल टू कितना, 80%। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा 80/100, सच बोलने का प्रोबेबिलिटी बाय ए। तो झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी इसका कितना होगा, झूठ सच नहीं बोलने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 20/100। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीक ट्रूथ बाय बी, बी के थ्रू सच बोलने का प्रोबेबिलिटी कितना है, सॉरी ए का है 50%, ए का है कितना 50%, ये होगा 50/100, यहाँ पे भी होगा 50/100। और बी के थ्रू सच बोलने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 80% यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, इक्वल टू 80/100 हो जाएगा। और झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 20/100। हम लोग को फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी, वी हैव टू फाइंड परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी किसका, बोथ बी कंट्राडिक्ट। दोनों क्या करेगा, एक दूसरे की बातों को काटेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए सच बोलेगा तो बी झूठ बोलेगा, और बी सच बोलेगा तो ये झूठ बोलेगा। यानी यहाँ क्या लिख सकते, दिस इज इक्वल टू, या तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। या तो फिर क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसा हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 50/100, और बी कॉम्प्लीमेंट कितना है 20/100, प्लस ए कॉम्प्लीमेंट कितना है 50/100, और बी है कितना 80/100, ऐसा है। 50/100 इंटू लास्ट क्या होगा, 80/100 होगा। तो क्या आ जाएगा फाइनली, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना, टेन बाई हंड्रेड, दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, और यहाँ पे भी दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10/100 और प्लस 40/100, एंड दिस इज इक्वल टू 50/100, यानी कितना परसेंट आएगा, 50%। 50% चांस है क्या कि दोनों एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करेगा। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एक्सरसाइज 7C स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।